Hello and welcome everyone. Welcome to Bionita. So in the previous lecture video we have discussed phylum Annelida. So in this video we are going to discuss phylum Arthropoda. तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फाइलम ऑर्थ्रोपोडा के बारे में। तो जो टर्म है ऑर्थ्रोपोडा, इसका मतलब सबसे पहले समझते हैं। ऑर्थ्रो का मतलब होता है ज्वाइंटेड और पोडा का मतलब होता है लेग। यानी कि इस फाइलम के अंदर जो मेंबर्स आपको दिखेंगे उनके पास ज्वाइंटेड लेग्स होंगे, उनके पास लोकोमोशन के लिए प्रॉपर डेवलप्ड मस्कुलर लेग्स होते हैं, ठीक है। तो जो ऑर्थ्रोपोडा फाइलम है ये सबसे बड़ा फाइलम है, इंक्लूड्स 90,000 स्पीसीज। सबसे बड़ा फाइलम होने के साथ साथ इसमें जो 90,000 के लगभग स्पीसीज पाई जाती हैं, ठीक है। अगर इसके जर्म लेयर की अगर बात करें तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, यानी कि जर्म लेयर जो है इसका एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म तीनों से मिलके बना हुआ होता है। ये तीनों जर्म लेयर्स गैस्ट्रुलेशन फॉर्म में फॉर्म होती है, ठीक है। उसके बाद अगर इसकी सिमिस्ट्री की बात अगर बात करें तो ये होती है बायलेटली सिमेट्रिकल, यानी कि अगर इसको हम दो इक्वल हाफ में अगर डिवाइड करें तो आराम से जो दो टुकड़े होंगे वो एक समान होंगे, एक जैसे होंगे। मेटामेरिकली सेगमेंटेड, इसके ऊपर भी सेगमेंट्स पाए जाते हैं, ये भी मेटामेरिकली सेगमेंटेड हैं, ठीक है। अब इनकी जो बॉडी है वो कवर्ड होती है विथ ए थिक टफ एंड नॉन लिविंग काइटेनियस क्यूटिकल, जो एक तरह का एक्सोस्केलेटन भी फॉर्म करता है, ठीक है। बॉडी सेगमेंटेड यूजुअली बियर्ड पेयर लेटरल एंड ज्वाइंटेड अपेंडेजेस, इसकी बॉडी पे सेगमेंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो ब्यूटीफुल डायग्राम्स आपको यहाँ पे दिखे हुए सारे मेंबर्स हैं आपके फाइलम ऑर्थ्रोपोडा के, ठीक है। चाहे वो बटरफ्लाई हो, चाहे एंट हो, चाहे मॉस्किटो हो, चाहे कॉकरोच हो, ठीक है। अब इसकी जो बॉडी है ये थ्री पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है हेड, उसके बाद जो दूसरा वाला पार्ट है उसे हम लोग बोलते हैं थोरेक्स, ठीक है, और जो थर्ड पार्ट है एब्डोमेन, ठीक है। हेड और थोरेक्स वाला जो पार्ट है ये दोनों आपस में फ्यूज होके सेफेलोथोरेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि इस फाइलम में हमें क्या देखने मिल रहा है कि हेड फॉर्मेशन यहाँ से, यहाँ भी आपको देखने को मिल रहा है, बिगिन हो चुका है, ठीक है। तो हेड और थोरेक्स जो आपस में फ्यूज होके सेफेलोथोरेक्स बनाते हैं, ठीक है। दे हैव डेवलप्ड सेंसरी ऑर्गन विथ कंपाउंड आईज एंड स्टेटोसिस्ट। तो इनके पास जो आई है, जो बैलेंसिंग ऑर्गन्स है, वो कंपाउंड आईज है, स्टेटोसिस्ट है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट, इनके पास माउथ और एनस दोनों ही होते हैं। माउथ पार्ट्स अडॉप्टेड फॉर डिफरेंट मोड्स ऑफ फीडिंग। द एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ, अब इसका जो एलिमेंट्री कैनाल है वो भी तीन भाग में डिवाइडेड है। पहला वाला जो एलिमेंट्री एलिमेंट्री कैनाल का जो भाग है उसे हम लोग बोलते हैं स्टोमेडियम, कॉमन भाषा में इसे हम लोग फोरगट बोलते हैं, ठीक है। और जो मिडिल वाला पार्ट है इसे बोलते हैं हम लोग मेजेंटरॉन, जो कि हम इसे कॉमन टर्म में मिडगट बोलते हैं, ठीक है। और जो सबसे अंतिम भाग है उसे हम लोग बोलते हैं प्रोक्टेडियम, इसे हम लोग कॉमनली हिंडगट बोलते हैं। तो स्टोमेडियम, मेजेंटरॉन और प्रोक्टेडियम ये तीनों एलिमेंट्री कैनाल के तीन भाग हैं, पहला वाला फोरगट, दूसरा वाला मिडगट और फिर प्रोक्टेडियम, ठीक है। ये कुछ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है ग्रास ऊपर के, जहां पर आप देख सकते हैं कि हेड रीजन, थोरैक्स और एब्डोमेन रीजन, यहाँ पे कंपाउंड आइज है जो कि एक तरह का बैलेंसिंग ऑर्गन है यहाँ पे, ठीक है। ये हिंड लिम्ब, ये विंग्स है और ये स्पाइरिकल जिसके द्वारा ये रेस्पायर करता है, गैस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कंपाउंड आइज किस प्रकार से हैं। इस कंपाउंड आइज में जो आपको छोटे छोटे यूनिट दिखाई दे रहे हैं सब लोग बोलते हैं ओमाटीडिया, ठीक है। तो कंपाउंड आइज बेसिकली इन्हें देखने में, बैलेंस करने में हेल्प करते हैं, ठीक है।
और ये इसका अर्थ कॉकरोच का ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, देख सकते हैं ये सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी रिजर्वॉयर, ईसोफोगस फूड पाइप, ये क्रॉप और ये गिजर्ड जो कि फूड को ग्राइंड करने में हेल्प करता है, ठीक है। और ये मिडगट, फिर आपका हिंडगट, ये सारी रीजन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं इसके रेस्पिरेशन के बारे में। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर गिल्स और बुक गिल्स। तो यहाँ पे लंग्स वगैरह, गिल्स वगैरह नहीं पाए जाते, यहाँ पाए जाते आपके बुक गिल्स। इन एक्वेटिक फॉर्म्स एंड ट्रैकिया और बुक लंग्स इन टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स। तो एक्वेटिक फॉर्म्स में क्या देखने को मिल रहा है हमें, गिल्स और बुक गिल्स, और जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स होंगे उनके पास लंग्स होगा, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन विद डॉर्सल हार्ट एंड ब्लड साइनसेस, ठीक है। इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा है, ओपन है। हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा है, क्लोज है, यानी कि हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उनमें ब्लड ब्लड वेजल्स में फ्लो होता है, लेकिन यहाँ पे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है यहाँ पे ब्लड क्या होता है कि साइनसेस में, गैप्स में फ्लो होता है, कोई पर्टिकुलर ब्लड वेजल्स यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। और हार्ट कैसा है, बिल्कुल डॉर्सल हार्ट है, ठीक है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की अगर बात करें तो इनके पास होते हैं ग्रीन ग्लैंड, मालफ्यूजन ट्यूब्यूल्स, इन सम फॉर्म्स कॉक्सल ग्लैंड्स एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। तो ग्रीन ग्लैंड्स, मालफ्यूजन ट्यूब्यूल और कॉक्सल ग्लैंड्स, ये एक तरह के इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। नर्वस सिस्टम भी मौजूद है यहाँ पे विद डॉर्सल नर्व रिंग एंड डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड्स। तो डॉर्सल नर्व रिंग्स पाई जाती हैं जो कि इसका नर्वस सिस्टम को कंस्टिट्यूट करती है, ठीक है। सेंसरी ऑर्गन्स में हम लोग ने कंपाउंड आइज देख लिया, कुछ केमोरिसेप्टर्स एंड टेक्टाइल रिसेप्टर्स भी होते हैं जो कि इन्हें होस्ट को आइडेंटिफाई करने में, डिफेंस मैकेनिज्म में भी हेल्प करते हैं। एंड फ्यू एंडोक्राइन ग्लैंड आर ऑल्सो प्रेजेंट। कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं जैसे कि जो कि फेरोमोन्स को सेक्रेट करते हैं, जिसके द्वारा वो डिफरेंट स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म के साथ भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। इनमें भी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म एग्जिबिट होता है, डिफरेंट चेंजेस देखने को मिलती हैं। फर्टिलाइजेशन कैसा है, इसका इंटरनल है। ओविपेरस भी हैं और ओवोविविपेरस भी पाए जाते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से है, और पार्थिनोजेनेसिस भी है। अब ये टर्म हमें पहली बार यहाँ पे दिखा है, पार्थिनोजेनेसिस। इसका मतलब होता है कि बिना फर्टिलाइजेशन के एग से एम्ब्रायो का फॉर्मेशन हो जाना, यानी कि यहाँ पे स्पर्म बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आर्थ्रोपोडा के कुछ मेंबर्स में ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। और एनसीईआरटी के एग्जांपल जैसे कि एपिस हनी भी आपको याद रखना है, बॉम्बिक्स सिल्क वॉर्म ये भी आपको याद रखना है, और लेसिफर लैक इंसेक्ट, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट अबाउट फाइलम आर्थ्रोपोडा।